मैं पट्टे के लिए पंचायती राज विभाग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैंने जब ये लोग पंचायती राज में चुनाव हुए थे, जब इन लोगों ने झूठे झूठे वादे किए थे, जैसे हमारा ये अभी जो अपन बात कर रहे हैं, ये ग्राम पंचायत थूर, ये पेरापेरी क्षेत्र में आता है, तो यहाँ के लोगों को, लोगों सरपंच साहब जो बने थे, एक जितने भी सरपंच उम्मीदवार खड़े हुए थे, उन सारे लोगों ने ये वादा किया था कि हम सबको पट्टे दे देंगे, और ये झूठे वादे करके सत्ता में आए हैं, गाँव की सत्ता में आए हैं ये लोग, जो आज सरपंच वार्ड पंच जो बन गए हैं, ये लोगों को ये गुमराह करके आए थे कि हम यूआईटी के पेराफेरी क्षेत्र, यानी जितने भी गांव यूआईटी के पेराफेरी, उदयपुर जिले के आसपास जितने भी गांव लगते हैं वो यूआईटी पेराफेरी में आते हैं, उनके पट्टे नहीं है, कोई चारा गांव में ज़मीन है, कोई बिल्ला नाम है, तो आबादी वाले क्षेत्र में नहीं है। यदि आबादी लेनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट में उनको वो देना पड़ेगा, फाइल जमा करानी पड़ेगी, तहसीलदार उनके वेरीफाई करेगा, सीएम साहब करेंगे, वहाँ से ऊपर से फाइल आएगी, जब जाके उनको पट्टे मिलेंगे। लेकिन इन्होंने अपने आधार पर लोगों को उल्लू बनाया, गांव वालों को उल्लू बनाया, गांव वालों को अपने उल्लू सुधार, अपने काम सुधारने के लिए, ताकि लोग हमें वोट दें और वोटों की राजनीति की, ना केवल ऊपर ऊपर के नेता। आजकल समय ये आ गया, ग्राम ग्राम लेवल का नेता, ग्राम लेवल जो वार्ड पंच होता है, जो सरपंच होता है, वो लोग भी लोगों को ये कहते हैं कि हम आपके पट्टे दिला देंगे, और आज छः महीने से ऊपर होने आए हैं, तो कोई पट्टे वट्टे का नाम नहीं है, लोग बेचारे बेघर हो रहे हैं, लोग रोड पर रह रहे हैं, उनको कभी भी यूआईटी, अभी जैसे बड़ी में भी लोगों को खाली करवा दी, तो वो रोड लोग रोड पे आ गए, ऐसे फेनिया गुड़ों में है वो रोड, कम से कम 200 या 500 मकान जो ऐसे हैं गमेती कच्ची बस्ती, वो वहाँ पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करके तो आ गए कि हम आपको पट्टा दिला देंगे, अब 6 महीने साल भर 8 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, अभी तक उनको पट्टे के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। गाँव में आप देख सकते हो, जैसे कि अभी तक ये कुछ भी नहीं बना हुआ है, ये रोड बनी हुई कंप्लीट पैसा सेक्शन हुआ है, लेकिन सरपंच के अंदर इतना भी गट्स नहीं है कि हम वहाँ जाके यूआईटी पीडब्ल्यूडी में जाके ये पैसा पास हुआ हो उसका डामरीकरण कराते हैं, कुछ भी नहीं। ये यहाँ रोज आए दिन एक्सीडेंट होते थे, इसलिए लोगों ने को गुमराह किया, इन लोगों ने जितने भी ग्रामीण में जितने भी सरपंच बने, मैं किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जो वादा किया है लोगों से, पेराबेरी क्षेत्र में उदयपुर का रहने वाला हूँ, तो उदयपुर ज़िले में मेरी ज़्यादा, मैं यहाँ का हूँ तो मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मैं आज राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूँ पंचायती राज विभाग का, और कांग्रेस पार्टी की सरकार है राज्य में, तो मैं सीएम साहब से खुद सीएम मिलूँगा, और बात भी करी है मैंने, तो लोगों को अपील भी करूँगा, जिनके पास नहीं हो तो वो मुझे एक मिसल बना के ला के मुझे दें, ताकि मैं जयपुर में बात करूँ, सीएम साहब से बात करूँ, या आला अधिकारी जो भी बात है उससे बात करूँ, आपकी बात पहुँचाऊँ, और आपको पट्टे मिल सकें। बाकी ये राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, ये राजनीति चल रही है, और मैं बिगैर राजनीतिक स्वार्थ ये बात आपको बोल रहा हूँ, एक समाज सेवी होने के नाते, एक कांग्रेस पार्टी के सच्चा सिपाही होने के नाते, एक जो सरकार ने मुझे आज वर्तमान सरकार कांग्रेस पार्टी की, उस सरकार में मुझे पंचायती राज विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं गरीब लोगों के लिए पट्टे के लिए मैं प्रयत्न हूँ, और मैं इनको बनवा के छोड़ूंगा, जो नियम आते हैं वो नियम के आधार से, लेकिन जो इनमें बने हैं, जो लोगों ने कहा है वो झूठ, और सब सफ़ेद झूठ बोला है, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, कोई पट्टे नहीं मिले, लोग बेचारे बेघर घूम रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं आज हमारे नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और जनता के इस चैनल के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे अभी तेल के और पेट्रोल के दाम समान हो गए, यानी जो पेट्रोल मिलता था उसी भाव में अब डीजल भी मिल रहा है, डीजल और पेट्रोल का भाव सेम कर दिया था, जबकि विपक्ष में थे मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, तब बहुत हाहाहुल्ला करते थे, जब हम सरकार में थे, कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, तब ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपने स्मृति ईरानी और चूड़ियाँ फोड़ देती, कभी गैस का सिलेंडर लेके, अब वो कहाँ गए, वो बाबा जी कहाँ गए जो रामलला मैदान में पेट्रोल और काला धन वगैरह के लिए उन्होंने अभियान चालू किया था, उन्होंने काम किया था, वो कहाँ गए, वो अन्ना हजारे साहब कहाँ गए जो उन्होंने काला धन के लिए, लोकपाल के लिए काम किया था, वो सारे के सारे 6 साल से गायब हैं, ये कोई एक षड्यंत्र था, ये सोची समझी चाल थी भारतीय जनता पार्टी की इनको प्रधानमंत्री के बैठाने के लिए, वो भागवत जी कहाँ गए जो कहते थे हमें अगर हमारे तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो हमारी आरएसएस की सेना जाके वहाँ मार देगी, तो आपके आज आरएसएस की सेना को किसने रोक रखा है, आप पाकिस्तान के लिए तो आप कहते हो हमने ये किया है, प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना नहीं करती है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैंने जाके, नरेंद्र मोदी ने जाके पाकिस्तान पे अटैक किया, जबकि हमारी सेना ने किया, सेना का सर सेना को दिया जाना चाहिए। अभी वर्तमान में स्थिति ये है, देश में गरीबी इतनी बढ़ चुकी है, भूखमरी इतनी बढ़ चुकी है, क्यों, क्योंकि आप
अभी आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी चल रही है, 3 महीने तक रेगुलर लॉकडाउन था, उसके अंदर गरीब बेचारे पैदल चल चल के उनको किसी को खाने को नहीं मिला, किसी को पीने को नहीं मिला, आपने व्यवस्था नहीं करी कुछ भी, आपने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। एक दिन या 2 दिन पहले आपको जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, इतने बड़ा विश्व है, भारत है अपना बड़ा, इतना बड़ा देश है अपना, इतने बड़े लोकतंत्र के आप मालिक हो, एक प्रधानमंत्री हो, तो आपको ये जिम्मेदारी बनती थी कि 2 दिन पहले आप भारत को संबोधित करते और 2 दिन बाद आप लॉकडाउन करते, तो शायद ये जनता जो मरी है आज, जो मजदूर मरे हैं, जो ये आज देश के हालात है, वो देश के हालात नहीं होते। लेकिन आप डायरेक्ट आते हो और कहते तो कल से ये चीज़ बंद, जैसे नोटबंदी में आप रात को 8-12 बजे आए तो ये कल से नोट बंद, इसमें उसमें भी काफ़ी लोग मरे थे, आज इसमें भी काफ़ी लोग मरे। आपने पीएम केयर फंड बनाया, वो आपने ITI से बाहर रखा ताकि उसमें हम जैसे हम लोगों ने या भामाशाह ने या किसी ने अन लोगों ने उनके लिए पैसे डाले थे, वो आप पूछ नहीं सकते वो सारा पैसा कहाँ गया। वो सारा पैसा अभी जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं वहाँ के लोगों को LED लगवाई, करोड़ों रुपए की LED लगवा के उनको प्रचार कर रहे हैं, तो हमारा पैसा वहाँ मिसयूज हो रहा है इनके यहाँ का। ये प्रधानमंत्री का काम बनता है? हमारे सैनिक जो गलवान घाटी में मारे जा रहे हैं चाइना में, और ये आके कहते हैं कि हमारे अंदर कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है, और फिर अप्रकट होते हैं, कहते हैं हाँ 20 मारे गए, 20 शहीद हुए। पहले तो इनकी लैंग्वेज को ध्यान रखना चाहिए, हमारे सैनिक 20 शहीद हुए हैं, 20 की जगह हमें 200 के सब चाहिए, उनको 200 को मारना है 20 के जगह जब जाएगी। और आप आके ये बोलोगे हमारे सैनिक मारेंगे, आप नहीं मारोगे, ना कभी कांग्रेस पार्टी ने मारा, ना कभी आप मारोगे, कोई नेता नहीं मारता है, हमेशा सैनिक लड़ती है। आज तक चैनल पे मोहतरमा जो भी उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, पूरा दुनिया जानती है उनको, काफ़ी वायरल हो रहा सोशल मीडिया पे, वो बोलती हैं कि ये तो सेना सो रही थी, सेना की गलती थी। मैडम मैं बता देना चाहता हूँ सबको, अगर सेना सो जाती ना तो आज कोई जिंदा भी नहीं बचता। आज आप चाइना की बात करते हो, आप 3,000 करोड़ की स्टेचू बना लिया, वो कहाँ से बनाया आपने? वो चाइना के लोगों ने बनाया था, क्या भारत के अंदर लोग नहीं थे? क्या यहाँ के मजदूर नहीं थे? क्या भारत के लोगों को आप विश्वास नहीं था कि वो लोग आपकी ये मूर्ति कंप्लीट कर लेंगे पटेल साहब की? और आप कहते हैं कि हम नेहरू जी की खिलाफत करते हैं, उसके लिए आपको ये भी पता नहीं है जिस घाट पे आपने मूर्ति बनाई उसका उद्घाटन ही नेहरू जी ने किया है। पटेल साहब की जहाँ जिन्होंने मूर्ति लगाई, लोगों को बहुत अंधभक्त को पता ही नहीं है, उनका शिलान्यास नेहरू जी ने किया है। और ये कहते हैं कांग्रेस हिंदुवादी करते हैं, उनको एक जानकारी और दे दूँ आपकी मीडिया के जरिए कि राम मंदिर के जो ताले थे वो राजीव गांधी ने खुलवाए थे। तो हमें बताना पड़ेगा इनको देशभक्ति का, हम देशभक्त हैं, ये फर्जी देशभक्त हैं। ये सारे जो नाम बताए थे मैंने आपको, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, ये जितने भी थे, आज मालिया वालिया ये सब कहाँ गए? आज गरीबों के ऊपर मार पड़ रही है, लोग त्रस्त हैं, मर रहे हैं, और कोई भी जाते हैं और फाइन लगाई जा रही है इनके लोगों पर, उनके खाने के नहीं है, पीने के नहीं है, वो मर रहे हैं। और ये आके कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, कैसे आत्मनिर्भर? पहले भैया हम आत्मनिर्भर थे, पहले कोई किसी से कोई दे नहीं था, पहले हम अपना कमा रहे थे और अपना खा रहे थे। तो आप ऐसी कोई चीज़ें ना बोलें, आप एक भारत के प्रधानमंत्री हो, आप आज इतने स्टेट में आपकी सरकारें हैं, क्या आपका यही काम रहेगा कि MLO को खरीद के MP में सरकार गिरा के ना आपने सरकार बना ली? क्या आप यही देश का लोकतंत्र यही हो गया कि हम पैसे से लोगों को खरीदेंगे फिर अपनी सरकार बनाएंगे? यही हो गया? आप क्या चाहते हो? हिंदुस्तान के हो बर्बादी के शरण पे लाके आ चुके। आज अगर वॉर होती है तो जान का लोग जानते हैं भूखमरी के कगार पे आ जाएगा हिंदुस्तान। तो आप लव लेटर लिख रहे हो, जैसे पहले आप विपक्ष में थे तब आप कहते प्रधानमंत्री जी लव लेटर लिखते हैं उनको, तो पाकिस्तान के खिलाफ तो आप कहते हम ये कर देंगे, चाइना के खिलाफ अपनी काम नहीं कर सकते हो? क्यों, चाइना से आपकी फटती है क्या? हमारे कमजोर हमारे सैनिक पर आप विश्वास नहीं है? आपको फ्री हैंड दीजिए एक बार, आपको वो मरते मरते 1,000 जनों को लेकर मरेंगे, हमको गर्व है। यदि आप नहीं दे सकते तो फिर झूठे बातें भी मत कीजिए, और करवा के फिर आप बोलिएगा हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनका बदला हमने हमारे सैनिकों ने लिया। इसके जो सैनिक शहीद हुए उनकी शहादत के लिए कुछ ना कुछ करें, और देश की जनता को आप जवाब दें कि हम ये करना चाहते हैं। हम देश की जनता को आपको जवाब पूछ रही है, आपसे जवाब मांग रही है। आपने कल से आपको पता होगा सोशल मीडिया में पहले एक चलता था TikTok नाम से, वो आपने बंद करवा दिया। वो क्यों बंद करवा दिया वो बता दूँ मैं आपको। उनके TikTok के अंदर क्या हो रहा था, सारी BJP और कांग्रेस ये जितने भी इनके लोगों थे उनकी सारे कट्ठे चिट्ठे जो लोग थे वो वीडियो बना बना कर डाल रहे थे, मोदी जी का, BJP पार्टी का, जितने भी इनके सहयोगी थे इनके पुराने वीडियो थे वो सारे TikTok पे आ रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि अब TikTok बंद करने से चाइना हार जाएगा क्या? इन्होंने TikTok बंद किया। ये तो आपकी नीति है, TikTok बंद करने से देश की जनता से कुछ है? मैं तो खुद देश की जनता को कह रहा हूँ भाई कोई चाइना आइटम अब नहीं ले, खरीद लिया
वो अपना है, कोई फोन नहीं तोड़े, कोई टीवी नहीं तोड़े, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं तोड़े, क्योंकि अगर वो कोई नुकसान होता है वो अपना होता है, कोई सरकार का नहीं होता।